नमस्कार, मैं दीदी फौजदार, आप देख रहे हैं हमारे साथ द नगरी न्यूज। यूएई के अबू धाबी में राम मंदिर जैसे भव्य मंदिर बनाने का काम अब पूरा होने वाला है। इस मंदिर में 14 फरवरी को वसंत पंचमी पर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। हिंदू मंदिर का निर्माण अबू धाबी के कल्चरल डिस्ट्रिक्ट में 27 एकड़ क्षेत्र में किया गया है। मंदिर के मुख्य डोम में पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु के साथ अरबी आर्किटेक्चर में चंद्रमा को दर्शाया गया है, जिसका मुस्लिम समुदाय से बेहद महत्व है। ये मंदिर सभी धर्मों का स्वागत करेगा और भारत और अरब की संस्कृति के मिलाप की मिसाल होगा। अबू धाबी में मंदिर का निर्माण आखिरी दौर में है। 700 करोड़ की लागत वाले इस मंदिर में लोहा या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। 700 कंटेनर्स में 20 टन से ज्यादा पत्थर संगमरमर भारत से भेजा गया। ये मंदिर यूएई की हार्मनी और कोएग्जिस्टेंस की नीति का मिसाल होगा। 1997 में गुरु प्रमुख स्वामी महाराज जब यहाँ आए थे तो उन्होंने एक सपना देखा था कि यहाँ एक हिंदू मंदिर बने। आज 27 साल बाद ये सपना साकार हो रहा है। मंदिर के गेट पर रेत की टीली की रचना की गई है, जिसे 7 अमीरात से रेत लाकर बनाया गया। आगे गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है, जिसमें मुख्य प्रवेश द्वार से पहले सीढ़ियों के दोनों तरफ गंगा और यमुना का प्रभाव रहेगा और सरस्वती नदी की कल्पना एक लाइट से की गई है। गंगा के साथ 96 घंटों को स्थापित किया गया है, जो 96 साल की तपस्या दर्शाते हैं। मंदिर के मार्ग पर ठंडी रहने वाली नैनो टाइल्स लगाई गई हैं। वहीं मंदिर के दाहिनी ओर गंगा घाट है, जिसमें गंगा जल की व्यवस्था होगी। मंदिर में 7 शिखर हैं, जो यूएई के 7 अमीरात को दर्शाते हैं। मंदिर में 7 देवी देवता विराजेंगे, जिसमें राम, सीता, शिव, पार्वती शामिल हैं। बाहरी दीवारों के पत्थर पर हैंडीक्राफ्ट से महाभारत, गीता की कहानियां दर्शाई गई हैं। दीवारों पर पत्थर द्वारा पूरी रामायण, जगन्नाथ यात्रा और शिव पुराण भी बनाए गए हैं। पूरी अयोध्या नगरी को पत्थर की संरचना में 3D प्रारूप के उकेरा गया है। जितनी कहानियां हमने बचपन में सुनी थी, मंदिर परिक्रमा के नकाशी के रूप में देख सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी न्यूज़ के साथ।